ऑडियंस को का मिलिट्री ट्रायल जो है सुप्रीम कोर्ट की 5 रुकनी बेंच ने उसको कलदम करार दिया था, और न सिर्फ ये बल्कि आर्मी एक्ट का सेक्शन 21D के दोनों शिकें जो हैं उन्होंने कहा ये गैर आइनी है और गैर कानूनी है। इसलिए जो 103-2 बाद में 105 हो गए, इन लोगों का जो ट्रायल किया जा रहा है, इनको जो आर्मी ने अपना कस्टडी में ले लिया है और इनका ट्रायल करने जा रही है कोर्ट मार्शल के ज़रिए से, ये उन्होंने कहा कि ये आईन के मुतसादिम है, कलदम है, लिहाजा उन्होंने उस तमाम प्रोसेस को वो गैर कानूनी करार दे के मुनहदम कर दिया। लेकिन इसमें 21 अपीलें जो हैं वो कर दी गई वफाक की जानिब से भी और सूबों की जानिब से भी अपीलें कर दी गई, और कुछ अपीलें तो अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने की वफाक की जानिब से, और वो भी बिना काबीना की मंजूरी के, और जो कि वफाक की तारीफ मुस्तफ़ा इम्पैक्ट्स के केस में सुप्रीम कोर्ट कर चुकी कि वफाक जो है वो कोई सेक्रेटरी या प्राइम मिनिस्टर नहीं होगा बल्कि वफाक पूरी काबीना की मंजूरी से वफाक मुतसबर होता है। सो वो जब हुई तो उन्होंने अपीलें कर दी और अपीलों की जो है बेंच बना दी गई, काजी फैज ईसा चीफ जस्टिस साहब ने बना दी गई, उस वक्त जस्टिस सीनियर प्यूनी जज तारिक मसूद साहब की सरबराई में, सरदार तारिक मसूद की सरबराई में, जिस पर हमने उसी दिन अपील किया था, उसी दिन हमने एतराज़ किया था कि जनाब ये बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन ठीक नहीं है, इसलिए कि सरदार तारिक मसूद साहब वो उस 9 रुकनी बेंच का जिसकी तश्कील सबका चीफ जस्टिस ने इन केसेस की समाअत के लिए मुकर्रर की थी उसमें इनका जो है वो हिस्सा थे, और अगरचे बावजूद ये उसमें से जो है रिक्यूज कर गए लेकिन ये सुनने से कासिर है, इसलिए कि अगर आप उसका हिस्सा रहे हों तो फिर इंट्रा कोर्ट अपील में आप समाअत नहीं कर सकते हैं। बार कैफ हमारे एतराज़ात को उन्होंने जो है ना नज़रअंदाज करते हुए न सिर्फ सुना बल्कि जुज़वी तौर पर उसको मुअत्तल कर दिया हुक्म को, अपने ही सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस के फैसले को, और कहा कि ट्रायल हो सकता है लेकिन फैसला हतमी नहीं अनाउंस किया जाएगा। तो उसी के तसलसल में कई तारीखें लगती रहीं और हम हर पेशी पर हम इस सरासीमगी का आलम में हम बताते रहे कि हमारे जो महबूसिन हैं जिनको आज मिलिट्री कस्टडी में रखा गया है जिसका कोई जवाब नहीं है और रिमांड पे रिमांड दिए जा रहे हैं जो कि बिल्कुल सरियन 167 जाब्ता फौजदारी की खिलाफ वर्जी है, वो जो है उनको अगर रखना भी मकसूद हो तो आम जेल में जेल मैनुअल के तहत रखा जा सकता है जहां उनकी मुलाकातों का एक शेड्यूल होता है, बाकायदा कानून मौजूद है। लेकिन अगरचे जेलें भी इस वक्त माशाल्लाह एस्टैब्लिशमेंट के कब्जे में है, जो खुद इमरान खान साहब ने लिख के तहरीर दी हुई है कि यहाँ जो है ये अडियाला जेल जो है ये एस्टैब्लिशमेंट के कब्जे में है और वही मॉनिटर करते हैं यहाँ सब कुछ, वो भी आईन और कानून के मावरा और मुतसादिम है। बहर कैफ आज उसकी समाअत जो है अपीलों की लगी हुई थी, आज मैंने सबसे पहले एतराज़ किया क्योंकि पिछली तारीख पर हमने एतराज़ किया था कि हमारे 7-7 हफ्तों से जो है न्याजी वो इबाद और दीगरान जो है वो उनको मिलने के लिए 7-7 हफ्ते नहीं दिया गया, और हफीज़ुल्लाह न्याजी साहब तो खुद मौजूद थे जिन्होंने अपने बेटे हसाम न्याजी की बारे में कहा कि मुझे मुलाकात नहीं करने दी गई है, और जिनको मुलाकात करने भी दी गई वो सलमान राजा साहब ने बताया कि उनके पाँव में हथकड़ियाँ बेड़ियाँ डाल के, हाथों में हथकड़ियाँ डाल के पीछे उनको करके और चेहरे में हुड ब्लैक काला हुड डालकर और उनको भी ऊपर 2 फरिश्ते खड़े होकर और उनकी मुलाकात करवाते थे ताकि वो कोई बात भी ना कर सके अपने वालिद या अपनी माँ या अपनी बहन या अपनी बीवी के साथ। तो ऐसे में जब हमने एतराज़ किया तो अटॉर्नी जनरल को इस बेंच ने कहा और फैसले में भी हुक्म में भी लिखा, तो आज अटॉर्नी जनरल ने बताया कि मैंने ये जी मुलाकातें इनकी हो गई हैं, लेकिन आज मैंने फिर खड़े होकर कहा कि जनाब एक शख्स आबाद फारूक, आबाद मियां आबाद फारूक
जिसका 5 साल का बेटा बेचारा, 5 साल का बच्चा, मासूम बच्चा शहीद हो गया, फौत हो गया, मर गया, उसको वहां भी जनाजे पर भी नहीं जाने दिया गया और उसका जो है मुलाकात फिर नहीं करवाई गई। 1 महीने 7 हफ्तों से वो उसकी मुलाकात नहीं करवाई गई और उसका अटॉर्नी जनरल ने कहा और के जी आज होगी। फिर जज साहबान ने उसको बुलवा कर, जो उनका ब्रिगेडियर आए हुए थे, लीगल ऑफिसर जो भी था, उसको कहा कि भाई इनकी बात सुने। अब मुझे नहीं पता कि वो मुलाकात होती है या नहीं होती है, लेकिन उस आबाद यूसुफ का जो है, आबाद फारूक का भाई जो है, वो आया हुआ है और उसने जिस कसम पुरसी के आलम में बताया है कि हमारे भाई के साथ क्या हाल हो रहा है, जबकि बच्चा एक मासूम शहीद हो गया, फौत हो गया, तो उसके तक भी जनाजे में वो शरीक नहीं हुआ बाप जो है, तो आप अंदाज़ा करें कि उसकी क्या कैफियत होगी जिसके साथ, और फिर मुलाकात भी नहीं करवाई जा रही है। तो जज साहबान ने एक जो अकील अब्बासी साहब है जज साहब, उन्होंने कहा देखें इंसानी हकूक़ की पामाली तो मत करो कम अज़ कम। तो सरजनिश जो है सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान के से भी इस बारे में हुई, क्योंकि जाहिर है कि कम अज़ कम हम तो अश्कबार हो जाते हैं जब ये दास्तानें सुनते हैं। हमारे मेरे तो हल्के में है, NA 122 में ही कोर कमांडर हाउस आता है और मेरे हल्के के ये काफ़ी सारे लोग हैं जो आकर इस किस्म की कहानियाँ बताते हैं कि कलेजा आपको यानी आता है, मुंह को आता है, आपकी सोच होगी कि क्या उनके साथ हो रहा है। सो ऐसे में आज फिर शुरुआत जब हुई तो केस की, तो फाजल एक प्राइवेट वकील साहब जो है ख्वाजा हारिस साहब को जो एंगेज किया गया था वफाक की जानिब से, ये डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से किया गया, यानी अटॉर्नी जनरल साहब ने इब्तदाई आपने बात बताने के बाद के आपके हुक्म की तामील की गई है, उन्होंने कहा जी बाकी का केस जो है ये ख्वाजा हारिस साहब जो है बहस करेंगे, क्योंकि ये इनको एंगेज किया गया है आर्ग्यू करने के लिए। तो इस पर फैसल सदीकी साहब की जानिब से एक एतराज़ी दरख्वास्त थी, उजरदारी थी कि प्राइवेट वकील जो है अटॉर्नी जनरल और एक जफर मौज उनके साथ डिप्टी अटॉर्नी जनरल, एडिशनल अटॉर्नी जनरल, स्टैंडिंग काउंसिल, एडवोकेट जनरल, एडिशनल एडवोकेट जनरल, डिप्टी अटॉर्नी जनरल, एक मौज जफर मौज है जो सरकार के वकील होते हैं, वफाकी हों या सूबाई हों, और उनका पैसे तनख्वाहें, बड़ी बड़ी तनख्वाहें वो उनकी अवाम के पैसों से जाती हैं। तो एक 2017 की नज़ीर रशीद अहमद के केस में सुप्रीम कोर्ट पहले ही दे चुकी है कि अगर जो है अटॉर्नी जनरल जो है ये लिख कर देगा कि मैं नाअहल हूँ, नाअहल का लफ्ज़ लिखा गया, इनकॉम्पिटेंट हूँ, तो तब जो है कोई वकील रखा जा सकता है। फिर साथ ही उन्होंने कहा कि अगर इनकॉम्पिटेंट है अटॉर्नी जनरल या सरकारी सारे जो वकला हैं, तो फिर ये जो है इनको रखा क्यों गया है इन द फर्स्ट इंस्टेंस। तो वो 2017 की नज़ीर रशीद केस के बाद फिर इयादा किया गया, जो 2023 का फैसला है, लेकिन 2024 सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्टेड जजमेंट है और उसमें भी ऑथर जज हमारे चीफ जस्टिस जो है काजी फैज ईसा साहब हैं, और उसके रुकन अब जो सीनियर जज जो प्रिजाइड कर रहे थे आज अमीनुद्दीन खान साहब, जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब उसका हिस्सा है उस बेंच का, जिसमें उन्होंने कहा कि प्राइवेट वकील नहीं रखा जा सकता और ना ही ये इजाज़त दी जा सकती है, और उसके जो है खदोखाल बयान किए कि सबसे पहले सर्टिफिकेशन दें सरकारी वकला के वो नाअहल हैं और इस काबिल नहीं है कि वो इस केस को करने दें, और के कोई ऐसा हमें बहुत एक्सपर्ट चाहिए जो इस केस को कर सकता है। लेकिन वो फैजल सदीकी साहब ने एतराज़ किया, और मैं आपको याद दिलाता चलूं कि पहले 2 अटॉर्नी जनरल्स इसकी नज़ीर मौजूद है, 2 अटॉर्नी जनरल अब्दुल अपना हमारे तुफैल अली अब्दुलरहमान साहब और फखरुद्दीन जी इब्राहिम साहब, 2 वकला जो थे अटॉर्नी जनरल थे ये दोनों, और ये दोनों बड़े सीनियर वकला भी हैं, जज भी रहे हैं, इन्होंने इस बिना पर मुस्ताफी हो गए थे, इस्तीफा दे दिया था। एक में ब्रोही को रखा गया था, ब्रोही को, लेकिन उसने कहा कि प्राइवेट वकील अगर रखा है तो फिर मेरी क्या ज़रूरत है अटॉर्नी जनरल होने का, तो उसने इस्तीफा दे दिया था अटॉर्नी जनरलशिप से, जैद वो अटॉर्नी जनरल था।
उसके बाद फखरुद्दीन जी इब्राहिम ने इस्तीफा दिया। जब शरीफुद्दीन पीरजादा को प्राइवेट वकील के तौर पर वफाक ने एंगेज किया तो उसने भी कहा कि मैं जो है इससे इसका मतलब है मैं नाअहल होने के नाता से मुझ पर एतमाद नहीं है, तो उसने भी इस्तीफा दे दिया। तो हमारे पास ये नज़ायर मौजूद हैं कि पाकिस्तान में अटर्नी जनरल को जब सुपरसीड किया जाता है वफाक की या सूबे की जानिब से तो फिर वो अटर्नी जनरल मुस्ताफी हो जाते हैं। और यहाँ हमारे अटर्नी जनरल साहब कहते हैं कि मैंने इजाज़त दी है। ओ भाई, इजाज़त की बात नहीं है, बात यह है कि आप सर्टिफिकेट दें कि आप नाअहल हैं, नाअहल हैं, तब जाहिर है कौन अटर्नी जनरल। तो मैंने वहाँ खड़े होकर नहीं, मैंने पीछे से कहा कि चूँकि मैं खुद अटर्नी जनरल रहा हूँ मैं तो कभी ऐसा सर्टिफिकेट ना देता। बाहर कैफ ये हुआ तो उन्होंने कहा चलें इनको भी सुन लेते हैं। और इस अंदाज से जो है फिर ख्वाजा हारिस साहब ने उसकी शुरुआत की। और अभी हम पहले ही नुक्ते पर पहुँचे थे क्योंकि जस्टिस शाहिद वहीद साहब ने एक बड़ा नुक्ता किया था पिछली तारीख पर भी कि आपका दायरा अख्तियार जो है इन अपीलों के समाअत का पैराग्राफ 17 में 18 में ये जस्टिस मंसूर अली शाह ने वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की फैसला देते हुए उसमें खदो खाल तयन कर दिए ओनली ऑन अ क्वेश्चन ऑफ लॉ। तो जस्टिस आज शाहिद वहीद साहब ने कहा कि अगर तो एक दो आरा हो सकती हैं एक की तो फिर जाहिर है कि आप बताएं क्या ये क्वेश्चन ऑफ लॉ है कि वो भी सही है जो हमारे पास अपील में जिन जजेस ने इब्तदान कहा है, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी रुख भी हो सकता है तो क्या ये जो है क्वेश्चन ऑफ लॉ है। पहले तो उन्होंने कहा नहीं है अटर्नी जनरल ने, लेकिन एक जज साहब ने जब उनकी कोई वो किया तो उन्होंने फिर अटर्नी जनरल ने कहा हाँ जी ये हो सकता है। बार कैफ बात ये है कि कोई ऐसी चीज़ इस फैसले में जो इनके सामने मौजूद है पांच मुअज्जज सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान का जिन्होंने कल आदम किया है उन दो शिकों को और जिन्होंने वाज़े दो टोक कहा है कि सिविलियंस का ट्रायल फौजी अदालत में नहीं हो सकता है और आज वो एक साल से ज़्यादा जो है अजियत और कर्ब में है। हमने इस्तदा की कि जनाब इसको डे टू डे बेसिस पर सुना जाए, आज फिर हमें मायूसी हुई कि आज उन्होंने मुलतवी कर दिया इस थोड़ी सी समाअत के बाद, क्योंकि आखिरी नुक्ता मेरिट पर तो थोड़ा सा ही हुआ था, बाकी तो हमारी मिसलिनियस बातें होती रहीं, लेकिन आज उन्होंने मुलतवी कर दिया ये कहते हुए कि जब बेंच अवेलेबल सात जजेस जब बैठेंगे, क्योंकि एक महीना छुट्टियां होने जा रही हैं, हालांकि छुट्टियों में भी हो सकता है, यहां तो रात के 12-12 बजे भी अदालतें लगी हैं और यहां आज़ादी का किसी की ज़िंदगी का मसला है, वो ख़ानदान बेचारे लटके हुए हैं, पाकिस्तान की आवाम आपकी तरफ देख रही है, खुदा रहा इसका फ़ैसला कीजिएगा क्योंकि बहुत ही अजियत और कर्ब में है वो खानवादा। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे हमारे में से किसी का बच्चा अगर इस कैफियत में होता तो यकीन करें कि हम उठने लायक ना होते। तो इन जज साहिबान को भी ये एहसास होना चाहिए कि ये जो 103 लोग हैं इनके खानवादा वो किस अजियत और कर्ब से गुजर रहा है और वो खुद किस अजियत और कर्ब से गुजर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं और इस्तदा करते हैं कि खुदारा छुट्टियों में भी, एक महीना जो आपको छुट्टियाँ हो रही हैं उन छुट्टियों में भी इस केस को सुनकर इसको यकसू कीजिएगा, क्योंकि ये इन लटके हुए हैं बेचारे, ना उन्हें ये पता है कि वो इस जाएंगे, ना उन्हें ये पता है कि मिलिट्री कोर्ट्स में जाएंगे या किस अदालत में जाएंगे। और आज हमने जब इस्तदा की कि इन्हें आम जेल में ही कम से कम भेज दें, इंसानी सलूक इनको इंसान तो कम से कम समझा जाए, जानवर ना समझा जाए कि हुड पहना कर आप इनको जो है काले वो हथकड़ियों में जंजीरों में जकड़ के आप कड़ियाँ पहना कर आप इनको रखते हैं, तो वो भी उठकर चले गए। हम तवक्को करते हैं कि ये चीज़ें जो है आइंदा सुप्रीम कोर्ट इन चीज़ों को देखेगी और इनका जो है इनकी अजियत और कर्ब से इनकी छुटकारा होगा। चौधरी साहब जी शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है ये बुनियादी तौर पे हम सब फौजी अदालतों के मुतालिक केस के में वकला है, पर मैं एक बात ज़रा आपके ज़रिए सारी कौम से करना चाहता हूँ और मुतनब्बे करना चाहता हूँ, वार्निंग्स एक पहले से इतला देना चाह रहा हूँ।
وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نواز کے جتنے بھی پنجاب سے ایم این اے اور ایم پی اے منتخب ہوئے ہیں، مسلم لیگ نواز کے جتنے بھی ایم این اے ایم پی اے پنجاب سے منتخب ہوئے ہیں، ان کے سہن میں، ہر ایک کے سہن میں ایک لاش گڑی ہوئی ہے، ایک تازہ تازہ قبر میں لاش پڑی ہے، اور وہ ہر انتہا تک جائیں گے اس لاش کو مخفی رکھنے کے لیے یا ضائع کرنے کے لیے، کوئی کیمیکل ڈال دو، کوئی اس قسم کا تیزاب ڈال دو کہ وہ لاش ضائع ہو جائے. اور یہ لاش، ایسی یہ لاش نواز شریف اور شہباز شریف کے بھی سینوں میں موجود ہے. اور وہ لاش کیا ہے؟ وہ لاش ہے فارم 45. جتنی بھی مسلم لیگ نواز کی پنجاب میں ہیں، سب ہر ایم این اے ایم پی اے کے سین میں دفن ہیں اور زندہ درگور ہیں. ان تک پہنچنا، ان کا حاصل کرنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ انہوں نے ایک پیٹرن بنا لیا ہے جو 2013 میں بھی، 18 میں بھی اور 24 میں بھی استعمال کیا گیا، کہ بیگ کے سینے توڑ کے اور اس میں سے صرف فارم 47 کو بچا لو، محفوظ کر لو، اور باقی جو الیکٹرل ڈاکومنٹس ہیں ان کو ضائع کر دو، تلف کر دو. یا فارم 47-45 میں جو اس دفعہ انہوں نے کیا ہے، اس میں کاٹ جاٹ کے اوور رائٹنگ کر کے 14 کو 614 ووٹ بنا کے، 22 کے 822 ووٹ بنا کے، ساری فارم 45 میں اوور رائٹنگ کر کے، جیسا کہ نواز شریف کی فارم میں آپ نے دیکھا جب الیکشن کمیشن نے خود اپنی ہی ویب سائٹ پہ، سرکاری طور پہ یہ فارم لگائے، تو ساری دنیا نے دیکھا. جب دیکھ لیا، لوگ دیکھ رہے تھے، خبر پھیل رہی تھی، تو یکدم 4 گھنٹے کے اندر اندر وہ ڈاؤن لوڈ کر لیے، انہوں نے اپلوڈ کر لیے جو فارم تھے، اور اب وہ غائب کیے ہوئے، اب وہ لگاتے ہی نہیں ہیں. جس طرح بھی لگائیں، فارم 45 میں اور فارم 47 کے درمیان ایک تفاوت آتی ہے جو نہیں ہونی چاہیے. دونوں میں ٹوٹل ایک جتنا ہونا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہے. اب یہ فارم ان کی ایک، ان کے خلاف ایک انڈائٹمنٹ ہے، ایک فرض جرم ہے، اور یہ فرض جرم ہر مسلم لیگ نواز کے ایم این اے اور ایم پی اے پنجاب کے پہ لگ رہا ہے. اور اس کو، ان فارم کو دیکھنے کے لیے، ان کا جائزہ لینے کے لیے سیکشن 100 کے تحت ریمیڈی ہے. ہر شہری درخواست دے سکتا ہے کہ وہ فارم 45 کی نقل مانگے، ہر بیگ میں سے نقل مانگے. اس کی کوئی لمیٹیشن نہیں ہے، اور کوئی یہ بھی شرط نہیں ہے کہ اس کا کوئی لوکس اسٹینڈ آئی ہو. اس کی سرٹیفائیڈ کاپی مانگیں لوگ، اپنے اپنے حلقے کے تھیلے میں سے فارم 45 کے لیے درخواستیں دیں، اور اگر نہ نکلیں یا دیر کریں چیف الیکشن کمشنر صاحب، تو پھر اس کو عدالت میں لے کے جائیں. عدالت، ہائی کورٹ میں بھی جا سکتے ہیں، اور چونکہ زیادہ اگر لوگ ہو جائیں تو یہ ڈائریکٹلی سپریم کورٹ میں بھی ہو سکے گی. پر اس کو نہیں چھوڑنا. فارم 45 وہ تلف کر رہے ہیں. ایک سال کے بعد الیکشن کمیشن کو اختیار، مشروط اختیار مل جاتا ہے کہ وہ فارم اور ڈاکومنٹ ضائع کر دے،
پہلے 5 سال تھا، میاں نواز شریف کی حکومت نے 1 سال کر دیا، وہ 1 سال گزاریں گے جس طرح بھی گزاریں گے، اور فارم 45 کو ریجیکٹ کرائیں گے کیونکہ وہ ایم این اے ایم پی اے فارم 47 کے ہیں جس میں صرف نتیجہ لکھا جاتا ہے، وہ کس طرح نتیجہ اخذ کیا گیا ہے وہ سارا فارم 45 میں ہوتا ہے، وہ ضائع ہو جائے گی جب تک آپ وہاں جا کے سیکشن 100 آف دی الیکشن ایکٹ 2017 ان کی کاپیوں، فارم 45 کی کاپیوں کی لیے درخواست دے دیں۔ شکریہ، تھینک یو۔